नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सब लोग अच्छी प्रकार से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त जयप्रकाश और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जय होम गार्डनिंग। दोस्तों, ये सामने जो आप पौधा देख रहे हैं ये चाइनीज मौसमी का पौधा है और इसमें जनवरी में फ्लावरिंग हुई थी और बहुत सारे इसमें फल भी लगे थे, लेकिन बहुत सारे फल इसमें गिर गए और एक भी फल इसमें नहीं बचा। बहुत मैं निराश हो गया और मैंने सोचा कि अब इसमें फल नहीं आएगा। मैंने इस पौधे पर एक प्रयोग किया और वो प्रयोग बिल्कुल सफल रहा। और इस वीडियो के पूरे अंत तक बने रहिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि मैंने क्या प्रयोग किया और वो प्रयोग क्या था। और बिल्कुल सफल हुआ और उसमें दोबारा फूल आ गया। इससे पहले चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि गार्डनिंग से ऐसे हेल्पफुल कॉन्टेंट मैं आपको दिखा सकूँ। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। दोस्तों, आप जो सामने पौधा देख रहे हैं ये चाइनीज मौसमी का पौधा है और मैंने जैसा बता चुका हूं आपको कि वीडियो की शुरुआत में कि इस पौधे में बहुत सारे फूल आए थे और मेरे पास इसके दो पौधे हैं और फल भी लगे थे और कंचे के बराबर होने के बाद ये फल गिर गए। और इतनी गर्मी पड़ रही है लखनऊ में क्योंकि 45 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया और मेरा जो पौधा है प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है और ये दोनों पौधे आपको दिखा रहा हूँ प्लास्टिक के ही पॉट में लगे हुए हैं। और बहुत मैं निराश हो गया था, लग रहा था कि इस साल की मेहनत बेकार हो गई, अब इसमें दोबारा फ्लावरिंग नहीं होगी। तो दोस्तों, मैंने इस पर कुछ ऐसा प्रयोग किया कि वो प्रयोग सफल रहा, वही मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। क्योंकि आप भी अगर ऐसे ही पौधे अपने घर में लगा रखे हैं सिट्रस प्लांट के, तो घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल 100% बिल्कुल मेरा प्रयोग किया हुआ है और आपको बस बताने ही वाला हूँ। सबसे पहले आप मिट्टी देख लीजिए, मिट्टी में फीडिंग करना है यानी फर्टिलाइज़र। क्योंकि दोस्तों, जनवरी में जब फूल आया था उससे पहले एक बार मैंने फर्टिलाइज़र दिया था और मैं बताता हूँ कि साल में दो बार फर्टिलाइज़र देता हूँ। दोबारा मैंने फिर फर्टिलाइज़र अभी आज से एक महीना पहले दे दिया कि मुझे जब लग रहा था कि इसमें अब कुछ नहीं हो सकता तो मैंने प्रयोग करने की सोची। दोस्तों, इसमें मैं पत्तों वाली खाद के साथ वर्मी कंपोस्ट मिला के दिया हूँ और कुछ भी नहीं दिया हूँ। थोड़ी सी पत्तों वाली खाद और करीब 1 kg वर्मी कंपोस्ट इस प्लास्टिक के पॉट में मैंने दिया है। आप कह सकते हैं कि इसकी फीडिंग कराई है। दोस्तों, वीडियो का मेन टर्निंग पॉइंट आ चुका है। अब मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ कि मैंने किस चीज़ का स्प्रे किया था जिससे कि उसमें बम्पर फूल आ रहे हैं। पहले मैं आप लोगों को फूल दिखा दूँ, फूल आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत देर से बातें कर रहा हूँ कि फूल नहीं आ रहे हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर फ्लावरिंग हो रही है। ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर फ्लावरिंग हो रही है। बहुत ही क्लोजअप में दिखाता हूँ दोस्तों, ये देख लीजिए फ्लावरिंग हो रही है। ये देख लीजिए, आप आराम से देख सकते हैं फ्लावरिंग को। ये देख लीजिए फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरे पौधे में फ्लावरिंग हो रही है। मैं आपको आसानी से दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए फ्लावरिंग हो रही है। तो दोस्तों, पूरा पौधा जैसे जनवरी में फ्लावरिंग होती है वैसे ही इसमें फ्लावरिंग हो रही है। अब इस वीडियो का मेन टर्निंग पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, मैंने इसमें क्या प्रयोग किया। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं प्लानोफिक्स। जी हाँ, ये प्लानोफिक्स का मैंने इसमें स्प्रे किया है और इसमें अल्फ़ा नेपथाइल एस्टिक एसिड होता है जो कि पौधों के लिए यानी कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसे कहा जाता है वो इसमें भरपूर मात्रा में होता है। और यही प्लानोफिक्स का मैं प्रयोग करके इसमें दोबारा फूल ला पाया हूँ। मैंने 5 बूंद 1 लीटर पानी में, जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ को पूरी तरह समझ लीजिएगा, 5 बूंद की बात कर रहा हूँ। अगर ड्रॉप हो तो उससे आप देख लीजिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। 5 बूंद 1 लीटर पानी में मिलाकर फर्स्ट डे दिया, आफ्टर 10 डेज यानी कि पहले दिन दिया और 10वें दिन दिया, 2 बार दिया हूँ। उसके बाद का ये रिजल्ट है कि पूरे पौधे में फ्लावरिंग आप देख सकते हैं भर चुकी है। तो मुझे जो निराशा हुई थी, अब मुझे खुशी हो रही है कि मैंने जो प्रयोग किया काफ़ी सफल रहा। जी हाँ दोस्तों, और आप भी ऐसे करके अपने नींबू संतरे मौसमी के पौधे में फूल ला सकते हैं। मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि फूल डेफिनेटली आ जाएंगे, लेकिन आने की उम्मीद बढ़ जाती है क्योंकि ये प्लांट ग्रोथ इसमें जो होता है अल्फा नेपथाइल एसिटिक एसिड वो पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। रूट की ग्रोथ को बढ़ाता है और प्लांट की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। तो मैंने 2 चीज़ इसमें किया, फीडिंग किया था फर्टिलाइज़र का और मैंने ऊपर से स्प्रे कर दिया। और आप देख सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से फ्लावरिंग आ चुकी है। आप समझ सकते हैं कि एक गार्डनर के दिल का दर्द अगर उसके पौधे में आया हुआ फूल गिर जाए तो कितनी तकलीफ़ होती वही समझ सकता है। और यहाँ तो फल बड़े बड़े होके भी गिर गए। उसका कारण था जलवायु परिवर्तन। अभी तक बहुत अच्छी बारिश नहीं हुई है, जनवरी से लेकर अब जून आ गया, कोई अच्छी बारिश नहीं हुई है। एक हल्की सी बारिश हुई थी एक दिन,
उसके बाद से सूखा पड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं और उनको कितनी समस्याओं से जूझना पड़ता है। फिलहाल मैंने इस प्लेनोफिक्स के प्रयोग से अपने पौधे में पुनः फूल प्राप्त कर लिया। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए टॉपिक से नए वीडियो में। सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।